गाइस बोथ द कैप्टन्स ध्यान रखना है, पहले मैच में वी हैव टू स्किप द रिव्यू, सेकंड मैच में मिलेगा। भाविक भाई बिना रिव्यू के संभाल के खेलना है। भाविक भाई बोले पहली बॉल पे मार देता हूँ डाउटफुल डिसीजन, और विराट कोहली ने सेंचुरी तो लगाई थी, बुमराह ने भी यहाँ पे धूम मचा दी भाई, तीन विकेटें गिर गई ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, विंटर कप से पहले लग रहा है टीम इंडिया घर पे लपेट के चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया को। चलो गाइस भाविक के चेहरे की स्माइल बताती हुई कि रिव्यू आ गया है भाई, रिव्यू मिलेगा पहले मैच में, पहली बॉल पे भी मिलेगा। गाइस योर एक्स्ट्रा प्लेयर इज मिसिंग हियर, डार्क हॉर्सेस रिक्वेस्टिंग एक एक्स्ट्रा प्लेयर मेहुल भाई, एनीबडी फ्रॉम द टीम कैन असिस्ट अस इन द स्कोरिंग बॉक्स, सो रिक्वेस्टिंग कैप्टन विशाल। यस गाइस कोई फर्क नहीं, आप अगर एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा बंदा जो रहेगा जो सबके नाम जानता है उनको भेज दो, लेकिन नाम पता रहना चाहिए आपको। स्ट्राइक पर है भाविक और नॉन स्ट्राइक पे वी हैव रॉनिक इज विद अस इन ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड, इसका मतलब भाविक ने बोला बॉलिंग नहीं करनी है भाई, ओपनिंग करना है। हर्ष इज ऑल सेट, हर्ष ने कहा था कॉम्बिनेशन तैयार है, पिछली बार क्या हो गया था कि हर्ष को यहाँ पे आने के बाद पता चला कौन सी प्लेइंग 11 है, हर्ष ने कल रात में मीटिंग ले लिया, पहले ही देख लेता कौन बॉलिंग कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है, तो हर्ष इज ऑल सेट। डार्क हॉर्सेस भी सेट है, देखिए डार्क हॉर्सेस में विशाल सुमारिया का जो कॉन्फिडेंस था, एंड आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस, द रीजन इज वो परफॉर्म करके दिखाते हैं भाई। देखिए आप बोलते और होते हैं दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ों की तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर आप जो बोलते वो करते हो, सो योर एटीट्यूड इज स्टाइल एंड स्टाइल एंड एटीट्यूड बोथ थिंग्स मैटर इन एवरी मैच। एंड क्या बात है, विमल भाई के लिए एक शायरी में, बिल्कुल अभी नहीं विमल भाई, विल सेव फॉर द लेटर हाफ ऑफ द डे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं इस थर्सडे क्रिकेट क्लब आयोजित विंटर कप सीजन 2 की सक्सेस के लिए। एंड संजय जी एक सेकेंड, एट द काउंट ऑफ 3-2-1 टाइमर स्टार्ट्स नाउ, विल स्टार्ट द मैच। कुणाल विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स, और पहली बॉल वाइड के साथ, क्या बात है शुभ आरंभ हो चुका है, पहली बॉल वाइड मतलब बहुत लकी होती है। देखिए जहीर खान आते थे पहली बॉल वाइड डालते थे, पहली ओवर में विकेट भी चटकाते थे, देखते कितना बड़ा शुभ आरंभ हुआ है। और भावी की सोल सेट यार क्या बात है, ये घर से तैयारी करके आए कि बॉल अच्छी थी, रॉनिक ऑन स्ट्राइक फुल लैंड डिलीवरी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, इस वक्त कोई फुटवर्क नहीं था। एंड हियर कम्स फर्स्ट डॉट राइट इन द स्लॉट, हियर कम्स फर्स्ट डॉट, रॉनिक इस वक्त स्ट्राइक पर फुल लैंड डिलीवरी वंस अगेन, क्या बात है यार, हर्ष की जो बात है ना हमें सच्ची नजर आ रही है। यस वो जो अन कही अधूरी सी कहानी कही रह गई थी, आज शायद ये पूरी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी होगी। ट्रू टाइटन्स, बिल्कुल जिस तरह का इनका नाम है ट्रू टाइटन्स, उस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू किया। भाविक ने एक सिंगल लेकर अच्छा शुरुआत की थी, उसके बाद रॉनिक गेंदबाजी अच्छी हो रही है कुणाल की। चार बॉल चार रन, क्या बात है, चार बॉल पांच रन हो गए भाई। एक उन्होंने बोला एक समझ में नहीं आ रहा है, पावर बॉल से पहले एक का डबल कर देता हूं, तो यहाँ पर सिंगल और हल्के बल्ले से खेलकर यहाँ पर सिंगल का डबल कर लिया। और भाविक जी रॉनिक इंतजार कर रहे थे, रॉनिक ने बोला शायद कुछ होगा, पावर बॉल, फर्स्ट पावर बॉल ऑफ विंटर कप सीजन 2, फर्स्ट ओवर कुणाल है गेंदबाज, रॉनिक विल फेस द फर्स्ट पावर बॉल, लगाइए बल्ला चलाइए भाई, एक का डबल मिलेगा, डॉट भी नहीं, माइनस 2 हो जाएंगे। ओहो लेट्स सी इफ इट इज माइनस 2, माइनस 5, माइनस 2, माइनस 5, माइनस 2 से सेटिस्फाइड है भाविक ने कहा कि माइनस 5 से बढ़िया माइनस 2 से खुश हो जाएंगे भाई, तो
एंड किया है डॉट के साथ, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है एंड स्कोर रिमेन्स ऑन 3 रन. क्या बात है, टू पैटर्न, शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए आने वाला है क्या. और एक अच्छा आगाज किया है आज विंटर कप सीजन 2 का 2024 एडिशन का. पिछले सीजन जहां पर टू टाइटंस ने मात खाई थी, जहां पर नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल है, विल हैव फ्री हिट, ओ डायरेक्ट हिट है, अंपायर का इशारा आउट है, रॉनिक विल हैव टू मूव आउट ऑफ द ग्राउंड. नो बॉल थी लेकिन नो पे विकेट का हुआ है, पता है ना. स्टार प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, लेकिन क्रिश के यहाँ पर विकेट गिर चुके हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है और इस झटके की अब भरपाई करने सीधा आए विशाल सोमानिया कप्तान आए. कप्तान ने कहा मेरी जरूरत है अब, और कप्तान है, ओनर है, इनसे ज्यादा किसको महत्व मालूम होता है कि जीत का क्या. बहुत तेज हिट लगाया था, उतना ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट है. सेकंड रन का प्रयास है, आंखों में किए है इशारे, यहां पर मिसकम्युनिकेशन और बच गए भाई, बच गए, बाल बाल बच गए. पावर बॉल, हियर कम्स पावर बॉल ऑफ दिस ओवर. 5 गेंदों के बाद 7 रन पे थमा हुआ स्कोर है. ओहो व्हाट अ बॉल यार, विकेट बचाने का प्रयास था, डॉट निकल गई, -2 ये भी मिलेंगे. तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है एंड स्कोर रिमेन्स ऑन 5 रन. क्या बात है यार, माइनस में चले गए. देखिए ये पावर बॉल जो होते हैं ना, ये आपका माइनस खाते में भी जाते हैं. सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नहीं होता, डेबिट भी होता है. यहाँ पे 2 रन डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए. यस यस, फुल टॉस डिलीवरी, हल्के बल्ले से खेले गए स्ट्रोक. देखिए आपको ऐसा लग रहा हो कि बल्लेबाज शेल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ना टेस्ट मैच है ना शेल है. ये वजह ये है कि रूल्स इस प्रकार के रखे गए कि आप ऊपर मारोगे तो अपर नेट्स आउट है, साइड में मारोगे तो साइड नेट्स आउट है, और माइनस है, प्लस है, बहुत से कैलकुलेशन है. सो यहाँ पर हर एक रन काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड जिस तरह के पिछले सीजन में हमने मैचेस देखे थे, लगभग 7 ओवर में 50 रन अगर लग जाते हैं तो 7 ओवर में 50 रन सफिशिएंट होते हैं. विशाल सोमारिया हु वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट परफॉर्मर has to lead from the front. अच्छा शॉट लगाया है, इस बार ये गेंद निकल गई, आता हुआ एक खूबसूरत सा चौका.
में टावर में चले गई ये गेंद, अपर नेट से लगी है, ये माइनस पांच होंगे, ये विकेट होगी और डार्क हॉर्सेस बैक फुट पे जाएगी यहाँ पर विकेट नंबर 3। कर रहे हैं और बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहे, कुछ नया लेकर आए, कुछ नई तैयारी के साथ आए इस वक्त इस सीजन में। लेग कटर डिलीवरी से अब तक 4 गेंदों में महज 1 रन, और पांचवी गेंद इस बार मिसफील्ड हुई, राहुल के हाथ से भी गेंद छूटा, लेकिन ये पावर बॉल अब मिला है मौका विशाल को। देखिए मैच में कमबैक करना है ना, पावर बॉल पे जब बड़ा हिट आएगा तो आपको यहाँ पर पावर बॉल पे एक का डबल मिलता है, डबल रन मिल जाएंगे, लेकिन संभाल के खेलना है। विकेट जाएगी, माइनस 5 होगा, डॉट होगी, माइनस 2 भी होगा। इस वक्त सिंगल लेने का प्रयास फिर से एक बार, हर एक पावर बॉल पे माइनस ही हुआ है, ये कश्ती डूब ही रही है, मैं उठ ही नहीं रही है, माइनस 2 के साथ। अब यहां पर 4 ओवर के बाद स्कोर है 4 ओवर 9 रन 3 विकेट। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का मैंने स्कोर देखा तो मुझे नजर आया 5 ओवर 12 रन 3 विकेट, और डार्क हॉर्स का स्कोर देखा तो उन्होंने कहा हम भी ऑस्ट्रेलिया के फैन है भाई। संदीप सावला इस वक्त गेंदबाजी करने आए हैं, बात करें संदीप सावला की तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, टीम की स्टार प्लेयर है, ट्रू टाइटन्स की बिल्कुल एक टाइटन है, एक जाबाज है, और संदीप की ओवर पे काफी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी फुल। ओ व्हाट अ कैच यार, अनबिलीवेबल, व्हाट अ कैच। और यहाँ पर विकेट का पतन, 14 झटका लगता हुआ इस वक्त टीम डार्क हॉर्सेस को, और बिल्कुल बड़े मुश्किल से समेटा था हर एक खिलाड़ी को, और ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है टीम। मतलब अगला बॉल होगा
नो एंट्री में एंट्री मिलने वाली है। अगला बॉल फ्री हिट, ओहो बच गए, बाल बाल बचे, बल्ले पे भी लगा, कट भी बच गए, स्टंप गिर गए थे, लेकिन फ्री हिट का सहारा मिलेगा। और गेंद अच्छी थी, काफी बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप खड़े खड़े खेलिए, बैक फुट पे खेलिए, बल्ला चलाया था, बल्ला घूमा था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, कट लगा, स्टंप्स पे जाके लगी है। फुल टॉस डिलीवरी, और विशाल ने एक बार मेहुल को मारा था पिछली बॉल पे, मेहुल ने बोला ले मेरा बदला। तो देखिए एक तो अच्छा लगता है, आप ही अच्छा लगता है, पावर बॉल विशाल, पावर बॉल अब तक आपके फेवर भी नहीं गई है 4 ओवर में, देखते हैं 5वीं ओवर में क्या जाएगी। नो बॉल का इशारा, ओ माय गॉड, पावर बॉल, और पावर बॉल पे विशाल ने खेला, क्या मेहुल भाई आप कर दो कुछ तो, चमत्कार कर दो इस मैच में, रन नहीं बने अब तक। अच्छा रिव्यू लिया गया संजय सर, किस चीज के लिए? नो के लिए, नो के लिए रेफरल आया है, थर्ड अंपायर अपने डिसीजन देंगे और देखते हैं क्या ये नो बॉल है या फेयर बॉल है। सो विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड अंपायर, सो थर्ड अंपायर कैमरा रॉक एंड रोल प्लीज, एनी अदर एंगल्स, हर एक एंगल का इस वक्त मुआयना करते हुए, एंड आई विल शॉर्टली गेट बैक टू यू विद आवर डिसीजन। ये हर्ष की हार्ट बीट्स नजर आ रही है, सो गाइस वी विल हैव थर्ड अंपायर हु विल मेक द कॉल डिसीजन, लेकिन मैं रिक्वेस्ट से डिसीजन मेकिंग अंपायर्स पे छोड़ दे प्लीज। एंड द डिसीजन इज ऑन होल्ड, इस वक्त स्टेक पे लगा है, क्या ये नो बॉल है क्या ये फेयर बॉल है। मेहुल भाई कहने वाले हैं कि भाई एक पावर बॉल खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, और विशाल ने कहा यार मैंने भी खेल लिया मेहुल एक ही ओवर में पावर, अब तक कोई फेवर में नहीं गया है, और कहते देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो यहाँ पर छप्पड़ फाड़ के मिला है। पावर बॉल भी हो सकता है नहीं होता है, इस वक्त अलग अलग कैमरे के एंगल्स चेक करते हुए हर एक प्लेयर्स, लेट्स सी, वी हैव थर्ड अंपायर है, एंड दिस इज इनलीगल डिलीवरी गाइस, नो बॉल है, अंपायर का फाइनल डिसीजन आ चुका है, नो बॉल है, एंड विल हैव अ फ्री हिट, अगला बॉल लाइक वी से इन आर ओन स्टाइल, खोलो आंखें देखो नीट, अगला बॉल है फ्री हिट, गैस 11:31 का समय हो चुका है, तो 22 मिनट का जो समय ध्यान रखना है, समय की सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। नो बॉल है, मेहुल विल फेस पावर बॉल, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, सिंगल ले लो भाई, एक का डबल है, कुछ नहीं करोगे -2 मिल जाएगा। सो गाइस हमारे इस वक्त स्नैक्स के काउंटर ऑन कर दिए गए हैं, वी हैव लेमनेड, वी हैव टी, वी हैव स्नैक्स, आपको फ्रूट्स है, आपके लिए हर एक सुविधा का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मैं बैटर से रिक्वेस्ट करूँ मैच में छोड़ के नहीं जाना है भाई, एंड गाइस हू एवर इज द पार्ट ऑफ विंटर कप इज इन्वाइटेड, आप यहाँ पर आ सकते हैं, राइट साइड हमारे यहाँ पर फूड काउंटर लगाया गया है। और ऋषभ बहुत ध्यान से सुने, ऋषभ ने बोला यार ये मैच जल्दी समाप्त हो, कुछ ना कुछ मिल जाए।
काउंटर्स ऑन कर दिए गए, यू गाइस कैन कम एंड एंजॉय द फूड गाइस। क्या बात है, इस बार फुल टॉस, चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे राधा दर्जन। थैंक यू डीजे। 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5 ओवर 4 बॉल का खेल हो चुका है। पावर बॉल विल सून कम इन टू प्ले और इस वक्त ये 5 गेंदें हो चुकी है, इसका मतलब ये पावर बॉल है। मेहुल ने क्या छक्का लगाया था यार, ये छक्का नहीं था, एक मैसेज था, ये एक कहानी थी जो हर किसी को सुनानी थी और इन्होंने अपने बल्ले से बखूबी उस कहानी को अंजाम दिया था इस वक्त मेहुल। और क्या बात है, गेंद अच्छी है, काफी चतुर स्मार्ट है। और देखिए पावर बॉल में ना ये डॉट पे जो अफसोस हो रहा है, इसका मतलब है -2 हो गए, ये 2 रन माइनस हो गए इसका अफसोस जताते हुए। इस वक्त ओवर का इसकी समाप्ति हुई है और 26 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर, तो जितने कमा रहे गवा भी रहे। देखिए खर्चा आपको बचाना है, यहाँ पर आप रन तो बना रहे लेकिन पावर बॉल में जो डिसएडवांटेज मिला है, लगभग आप 10 से 11 रन माइनस हो चुके हैं टीम डार्क हॉर्सेस के। और ट्रू टाइटन्स की बात मुझे ट्रू नजर आ रही है, उन्होंने कहा था कि हम ये सीजन बहुत तैयारी के साथ आए हैं और वो तैयारी इस वक्त मैदान के बीच में नजर आती हुई टीम ट्रू टाइटन्स की। आखिरी ओवर लेकर आएंगे टीम ट्रू टाइटन्स के लिए इस वक्त गेंदबाज। मनु इस वक्त गेंदबाजी करने आए हैं, क्या फील्डिंग है भाई, बढ़िया, एक ही रन पे रोका है, गेंद काफी डीप तक ट्रेवल कर गई थी लेकिन मेहुल भाई ने कहा कि यस मैं हूं, मेहुल है तो मुमकिन है। और इस वक्त आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर का भार संभाला है और एक छक्का जो लगाया ना, वो एक छक्के ने बहुत कुछ इस मैच में परिवर्तन लाया है, उस छक्के ने बहुत कुछ बताया है कि डार्क हॉर्सेस देखिए ऐसे ही नहीं चैंपियन बना जाता है, चैंपियनशिप के लिए बहुत कुछ लगता है। और मेहुल ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, इस वक्त मेहुल पर नजरें बनाई रखनी है लेकिन सिंगल लेकर स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट, क्या बात है। मेहुल सीनियर, मेहुल जूनियर, एक तरफ मेहुल सीनियर पिच पे खेल रहे थे, मेहुल दोनों तरफ मेहुल। टीम डार्क हॉर्सेस के लिए आगे बढ़ के फुल टॉस डिलीवरी, बल्ले का संपर्क हुआ है, सेंटर ऑफ द बैट लगी है लेकिन टाइम नहीं कर पाए, उसके चलते सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलेगा, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट। 3 बॉल 29 रन, आखिरी ओवर इस वक्त चल रही है, आखिरी 3 गेंदे, आखिरी 3 मौके, रनआउट का भी मौका है, डायरेक्ट हिट लगता तो शायद कुछ कठिन सवाल पूछे जाते लेकिन इस वक्त डायरेक्ट हिट नहीं लगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। और सिंगल लेकर यहां पर स्ट्राइक रोटेट, 30 रन ऑन द स्कोर कार्ड फाइनली, 30 रन, क्या बात है मेहुल जी, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। यस 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 बॉल काउंटर रन आएगा, यस यस
धीरे थोड़ा सा मेरे को साउंड दे देना हल्का सा मेरे को मार। क्रिकेट का है जुनून हम ना करेंगे घट। हाय हिम्मत भरी जा सुनो ये आखिरी बोले जो जो आखिरी बोले यस सर लास्ट बॉल ऑफ दिस धीरे साउंड दिया थोड़ा दिया ना चौथी पांचवी लास्ट बॉल दिस इज द लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट इनिंग आखिरी बॉल का यहां पर सामना करेंगे मेहुल उनका साथ देने आए हैं विशाल विशाल ने अब तक हमारा सहयोग किया था इस वक्त स्कोरिंग बॉक्स में और इस वक्त लास्ट बॉल पावर बॉल है आखिरी मौका है भाई छक्के पे 12 मिलेगा एक का डबल मिलेगा शॉट अच्छा है फील्डिंग अच्छी है तैयारी अच्छी है माइनस मिलेंगे माइनस दोनों जगह से मिलेंगे शायद देखते हैं अंपायर का इशारा ना बाकी लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स विशाल नजर नहीं आए थे काफी दूर से दौड़ सकते तो सिंगला है मतलब दो रन मिलेंगे और टीम ने पहले इनिंग की समाप्ति की है कुल मिलाकर टीम ने रन बनाए हैं फ्लाइंग वाइकिंग्स सलाम जहाँ छोड़ते हैं निशान वही बनता है अंजाम हर मैच में जो लाए तूफान वही होती जीत का अरमान कभी ना आए धक्का जीत का है ये निशान I would thank you, DJ. Thank you so much. I would request captain of team Flying Vikings and captain of team Warrior Kings to kindly come forward inside the ground. And I would request Vimal ji to kindly help us, assist us with the toss presentation here. So, captain of team Warrior Kings and Meeraj Savla ji, se main request karunga, please aap aa jaye. And Rohit Savla ji will join us. Rohit will join us in the toss box, jahan par is match ka toss hone ja raha hai. So I can see Warrior Kings is here. Flying Vikings captain. Okay, Savla, Savla. ये match में तो मजा आने वाला है. So umpire will be joining us. I would request umpire to kindly come in the center. Rajesh ji, captain of team Flying Vikings on my left. On my right is captain of team Warrior Kings, Meeraj Savla. And this is our toss. I'll try to show you the toss. Is tarah ka coin hai, heads and tails likha hai. Winter Cup customized toss. And we are moving towards match number two. Guys, heads and tails, simple se call lena hai. Who is going to make the call? Flying Vikings, Warrior Kings, Flying Vikings. Raj lenge call. Let's see what it is. Let's spin the coin and... Heads is the call. Heads it is. Without wasting any time, Flying Vikings ne yahan par toss jeeta hai. Batting lenge ya bowling lenge? Bowling. Bowling karenge. So guys, we'll start with the match. Teams are ready. All the best, both the teams. We'll have your interview. Lekin thoda sa samay match chal raha hai. So I won't like to intervene anyone. Toss jeeta hai. Team Flying Vikings ne toss jeet kar pehle fielding karne ka nirnay liya hai. 34 runon ki kahani किस तरह से लिखी जाएगी बल्लेबाजों की जुबानी हर्षवीर इस वक्त आए हैं और डार्क हॉर्सेस थोड़ा सा निराश में कहूंगा क्योंकि पावर बॉल को कैपिटलाइज नहीं कर पाए लेकिन इस वक्त मौका है और दोनों ही टीम जिन्होंने पिछले साल आखिरी मैच खेला था ये पहला मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं एडिशन टू की सो ऑल द बेस्ट एंड विल मूव इन द कॉम बॉक्स तो फूड काउंटर स्नैक्स काउंटर आपके लिए ऑन कर दिए गए हैं आई कैन सी फ्रूट्स है वी हैव अ टी काउंटर एज वेल फॉर यू तो आप आ सकते हैं एंड दैट इज ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स गाइस ऑल द प्लेयर्स ऑल द स्टाफ ऑल द डिग्नेटरीज यू गाइस कैन कम हियर एंजॉय द फूड वॉच द मैच और जिस तरह से इस वक्त लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है मैदान में लगा है विंटर कप का मेला बाजू में लगा है चाय का ठेला
चाय लीजिए, मैच के मजे लीजिए, एंजॉय एंजॉय द विंटर कप एडिशन 2, क्योंकि यही मोमेंट्स होते हैं। मैच को एक टीम जीतती, कोई एक हारती है, लेकिन ये मोमेंट्स हम पूरे साल अपने साथ घर ले जाते हैं। जिस तरह से मुझे रौनक ने बताया था कि हम अभी भी वो मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, सेमीफाइनल के मैचेस हम एंजॉय करते हैं। सो ये आपका मोमेंट होता है, ये आपका मौका होता है कि आप आते एंजॉय करते हैं। देखिए ये क्रिकेट लीग की खासियत होती है ना, ये एचबीओ समाज से जुड़े हुए लोग हैं और ये थर्सडे क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, लेकिन ये जो मौके होते हैं ना, जो मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ दाव पे लगता है, क्योंकि इसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक होती है, कई महीनों तक होती है, कौन स्टार प्लेयर होता है। देखिए हर्ष का नाम अभी भी कायम है, क्यों? पिछले साल इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी उठाई थी। अच्छा शॉट है और इस बार दूरी मिली है पूरी, बल्लेबाज की मंजूरी, 4 रन होगी। केतुल गेंद के पीछे थे, निकल 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 गए, फिसल गए, निकल गए। हर्ष बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है भाई, पावर बॉल, यह कम्स पावर बॉल, ये गेंद में कितना पावर है ये तो आपको आने वाली गेंद, आने वाला वक्त बताएगा। हर्ष की लेकिन शुरुआत अच्छी है यार, कप्तान भी है, ओनर भी है, और शुरुआत अच्छी की है, हल्के बल्ले से खेला गया, ये स्मार्ट है, इसे कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट है। पावर बॉल में 2 रन छुड़ा लिए, 2 का डबल, 4 मिल जाएंगे। तो पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है, पहले ओवर की समाप्ति पर अच्छी शुरुआत, और टीम ने कुल मिलाकर बनाए हैं 12 रन। क्या बात है, क्या शुरुआत है, और किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में ही रहा, तो जिस तरह 3 या 4 ओवर का खेल लगा था उन्हें 12 रन बनाने को, इन्होंने पहले ओवर में 12 जड़ लिए। मेहुल कोठारे जी इस वक्त आए हैं, एक अच्छा खिलाड़ी है, इन्होंने ही अपनी टीम को जीवित रखा है, जिंदा रखा है, इस मैच में छक्के लगाए, चौके लगाए, ये अच्छा खिलाड़ी है भाई, इन पे नजरें जमाई रखनी है। इस वक्त जिनित है, हर्ष है, और टू टाइटन्स की अगर मैं स्टार परफॉर्मेंस की बात करूं तो टू टाइटन्स में मुझे नजर आते हुए संदीप सावला जी है, अभिषेक पोमल जी है, संजय गोसरानी जी पावर हिटर, राहुल ड्यूरिया मिस्टर डिपेंडेबल, और विमल भाई, ये 5 अच्छे खिलाड़ी नजर आते हैं। उसके अलावा टीम के कप्तान हर्षपीड ओनर एक कप्तानी पारी खेलते हुए उनका साथ देते हुए जीनित, लेकिन मेहुल के सामने आसान नहीं होने वाला है, डार्क हॉर्स का एक बेहतरीन हॉर्स है भाई। और रफ्ता रफ्ता ये पारी को रफ्तार देते हुए, क्योंकि सिंगल डबल के सहारे आप यहाँ पर रन बनता हुआ, कैच का मौका, भाविक ने कैच नहीं यहाँ पर ट्रॉफी पकड़ी है ऐसा लग रहा, बहुत ही अच्छा कैच, पहला विकेट। जहाँ छोड़ते हैं निशान वही बनता है अंजाम, हर मैच में जो लाए तूफान वही होती जीत का अरमान, कभी ना आए धक्का जीत का है ये निशान। कोशिश अंपायर का इशारा, वाइड बॉल है, ये रन तो मिलेंगे, प्लस एक अतिरिक्त रन दौड़ भी लिया है। ये हर्ष की फिटनेस नजर आई है मैदान में, हर्ष एक अच्छा खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, जब स्ट्रोक लगाते हैं ना वैसे ही क्रिकेट खूबसूरत नजर आता है। हल्के बल्ले से खेला गया, रनआउट का मौका, और ये मैं ये थ्रो देखकर याद आ गया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक साथ डायरेक्ट फेंकते शायद कुछ हो जाता। ओहो फुल टॉस डिलीवरी थी, मनु जी देखते रह गए, गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल है मतलब माइनस आपको भी मिलेंगे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो
पेनल्टी शूट आउट चल रहा है ना, एक आपने मारा एक मैं भी मारूंगा, और दो ओवर की समाप्ति है, स्कोर अब थोड़ा सा थमा हुआ 15 रनों पे नजर आता हुआ, जहां पर पहले ओवर में 12 रन आए थे। इस वक्त हर्ष को थोड़ा सा स्ट्राइक से दूर रखा गया। हर्ष की देखिए क्रिकेट है बहुत अच्छा लग रहा है हर्ष का, इसकी वजह यह है कि क्रिकेट में हमें फैंटेसी क्या नजर आती है कि चौके छक्के विकटे ये तीन चीजें नजर आती है, लेकिन आप भूल जाते हो कि जब सिंगल डबल सिंगल डबल जब आप लोगे, यही वो सिंगल डबल है जिन्होंने विराट कोहली को द लेजेंडरी किंग कोहली बनाया है। तो आपको एक पारी बिल्ड करना है, क्रिकेट को कैलकुलेशन से खेला जाता है, जज्बात से नहीं, यहां पर जज्बे से जीता जाता है। अट्ठाईस गेंदे हैं, 17 रनों की जरूरत है जीत के लिए, तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है भाई, बस एक टिकट कटानी है, जीत मिल जाएगी, लेकिन विकेट बचा के रखनी है, क्योंकि ये जो पावर बॉल है ना डैमेज कर जाता है, ये आपकी चलती हुई नाव को पीछे फेंक देता है, तो पावर बॉल को कैपिटलाइज करना है, बने रहना है इस वक्त। और फुल टॉस डिलीवरी, एंड इस बार मैं कहना चाहूंगा जब तक तोड़ेंगे ना आए तब तक छोड़ेंगे ना आए, आप एक बैक सिक्स अब जीत के लिए महज 11 रनों की जरूरत है। हर्ष को बहुत घाई है और फिर से एक बार वहां पे हल्की सी थी दरार, गेंद हो गई फरार, रन दे जाएगी 4, ये आता हुआ एक और चौका। बारह बॉल अरी खेल दी हर्ष, वन साइडेड वन मैन परफॉर्मेंस दिया है, और विशाल ने कहा है कि भाई आपको आपने बहुत मारा यार, यस वो डायलॉग याद आ गया के बहुत फाइट खाए लेकिन लास्ट में जाते जाते एक ही फाइट मारा, और कहा कि अपन ने तो एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा, 2 रन माइनस करके जाएंगे विशाल सुमारिया इस वक्त। और एक अच्छी शुरुआत है, जहां पर 6 लगे थे 4 लगे थे वहां पर माइनस 2 भी लग गए। अब जीत के लिए चाहिए 24 बॉल में 9 रन चाहिए, 24 बॉल में 9 रन चाहिए, और ट्रू टाइटंस के 12th मैन बहुत खुश, माइनस कर दिया विशाल भाई। हेमल आए इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर, और डार्क हॉर्सेस देखिए तैयारी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, टीम के जज्बे के बारे में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पहला मैच है, इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन पे आना आसान नहीं है, और इतनी जल्दी कोई कंक्लूजन हम दे नहीं सकते क्योंकि मेहुल भाई विशाल और भी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन बात मैं करूंगा ट्रू टाइटन्स की। आज ट्रू टाइटन्स ने आज बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, और ये दुनिया आपको कमबैक के लिए याद रखेगी, गलतियां तो बहुत लोग करते हैं लेकिन किस तरह से आप गलती को सुधारते हो वही याद रखा जाता है, और ट्रू टाइटन्स ने अपने ट्रू फ्लेवर्स बताए हैं। पहला मैच बिल्कुल अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, उमंग आए, उमंग का मतलब होता है उम्मीद होती है, उम्मीद लेकर आए, देखते हैं उम्मीदों पे कितने कायम रहेंगे इस वक्त। उमंग गेंदबाजी का मामला, 9 रन चाहिए, हर्ष को बहुत घाई है, हर्ष ने कहा मैच समाप्त करके घर जाना है भाई। मनु इस वक्त स्ट्राइक पर, सामना करेंगे उमंग का, नो बॉल है भाई, कैच का मौका था, कैच भी छूटा, सूद तो सूद, मुद्दल भी गया और आसान सा कैच था फिर भी छूट गया भाई, छूट गया। अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, दोनों तरफ से लूट मची हुई है, ये लूट लो ऑफर है, 3 रन दौड़े, 9 भी मिली, फ्री हिट भी मिली, क्या क्या मिलेगा, ये दिवाली ऑफर दिवाली के बाद। हर्ष को फ्री हिट दे दिया, आपने गलती कर दिया है, क्या बात है यार, कोई गलती नहीं की है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार हर्ष, तो कोई बात नहीं, मेरा भी नाम उमंग है, उमंग का मतलब ही उम्मीद होता है। 5 रनों की जरूरत है, बहुत अच्छा मौका था हर्ष के पास, फ्री हिट से अच्छा मौका क्या होगा क्योंकि आपके लिए नेट्स खोल दी गई थी। क्या बात है, डाइव लगाई थी लेकिन अंपायर का इशारा, उंगलियां ऊपर, बल्लेबाज बाहर, और हर्ष का एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए डगआउट में। क्या पारी खेली यार, मैच विनिंग पारी हर्ष बीड, जैसे हो फूलों की बाग, साथ लेकर चलेंगे जोश में भरी। बस 4 रनों की जरूरत है, इस वक्त सिंगल सिंगल से भी काम हो जाएगा। अमान गेंद को अंदर फेंकना चाह रहे थे, 2 रन हो गए,
और इस वक्त स्मार्ट क्रिकेट के एक रन शॉट है, एम्पायर का इशारा, एक रन शॉट करार दिया है। आप दौड़े थे तो पूरा नहीं दौड़ पाए मनु, बहुत जल्दी मैं वापस आ गए, रन नहीं मिलेगा। तो एक ही रन मिलेगा, जो डैमेज हुआ था डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। नो बॉल है, हाथ में लगी है गेंद, लेकिन दो नो पे सिंगल का मतलब स्कोर्स लेवल हो चुका है, जस्ट वन रन अवे टीम ट्रू टाइटंस। एंड हियर वी आर विनिंग स्ट्रोक। चलिए मैच समाप्त हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस ट्रू टाइटंस आर द विनर्स, कांग्रेचुलेशंस। लाए तूफान वही होती जीत का अरमान, कभी ना आए धक्का, जीत का है ये निशान। सबम बधाए आगे जीत हो अपने साथ, दुश्मन रहे हमेशा हार के रास्ते पर लात, हर चौक का छक्का है चश्मे का ये पैगाम, ट्रू टाइटंस का दम है सबका ये है अंजाम। आगे बढ़ो करो धमाल, हमें यहाँ लेकर जज्बा बहार।